आपको बता दें कि शाहीन बाग को लेकर जैसे जैसे भड़काऊ और विवादित बयान की होड़ सी लग गई है। एक दिन पहले मंत्री अनुराग ठाकुर ने गद्दार, गोली जैसे भड़काऊ शब्दों वाले जहरीले बयान दिए, तो अब बीजेपी सांसद परवेश वर्मा गरज रहे हैं। सांसद महोदय का कहना है 11 तारीख को बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई तो एक घंटे में शाहीन बाग खाली करा दिया जाएगा। सांसद महोदय ये क्यों भूल गए कि दिल्ली में अभी सरकार भले ही उनकी ना हो, लेकिन पुलिस तो केंद्र के अधीन ही है। नोट करके रख लेना, ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये देश की अस्मिता एकता का चुनाव है। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, एक घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर आपको एक भी आदमी दे गया तो मैं भी यहीं और आप भी नहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल एक महीने का समय मुझे दे देना, मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है एक महीने के अंदर